गया है। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजिज। वेरी सिंपल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, लीज माने प्रॉपर्टी असेट, भाड़े पर लेना, रेंट पर लेना। द वन हु टेक्स ऑन ए रेंटल बेसिस उसको हम टेनेंट लेसी बोलते हैं, द वन हु गिव्स उसे लेसर बोलते हैं। सपोज द प्रॉपर्टी इज टेकन ऑन ए रेंटल बेसिस फॉर अ वेरी टेम्पररी पीरियड, देन दैट्स नोन एज ऑपरेटिंग लीज। एंड हियर द एंट्री इज पास इन अ डायरेक्ट वे, मीन्स इन द बुक्स ऑफ टेनेंट ही पेज द रेंट फॉर ए असेट फॉर यूजिंग असेट फॉर सम स्पेसिफाइड टेम्पररी पीरियड। टेनेंट एंट्री करता है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओनर एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंटल इनकम। और ये एंट्री हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि टेनेंट पेज द रेंट, रेंटल एक्सपेंस टू बैंक, ओनर गेट्स द रेंट, बैंक डेबिट टू रेंटल इनकम, उसे ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। बट मेनी अ टाइम टेनेंट टेक्स द असेट ऑन ए रेंटल बेसिस फॉर फुल लाइफ ऑफ द असेट, नियरली फुल लाइफ ऑफ द असेट। ऑलमोस्ट ओनर दो looks like he has taken asset on a rental basis is actually the economic owner of the asset till the end. That lease is known as finance lease. And here the tenant passes the entry as if he has purchased the asset. As if he has purchased the asset. And whatever lease rent he is paying is like an installment of a asset. Okay? सो अभी हम ज्यादा करके जो भी बात करने वाले हैं वो फाइनेंस लीज की ही बात करने वाला है। एज इफ द टेनेंट हैज बिकम इकोनॉमिक ओनर ऑफ ए असेट। तो एंट्री कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। फर्स्ट एंट्री, मुझे तो एंट्री वैसे ही करना है जैसे टेनेंट ने असेट परचेस कर दिया है। तो फर्स्ट हम किसकी किताब में कर रहे हैं? बुक्स ऑफ लेसी टेनेंट। ओके, एंट्री इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर हायर परचेस और नॉर्मल बिजनेस। असेट अकाउंट डेबिट टू ओनर लेसर, क्या प्राइस पर? फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। मतलब व्हाट इज मिनिमम लीज पेमेंट? जो पेमेंट टेनेंट ओवर द लाइफ करने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। जो पेमेंट टेनेंट ओवर द लाइफ करने वाला है लीज के लिए, जो मिनिमम पेमेंट करने वाला है उसको बोलते हैं MLP लेसी। वो लीज रेंटल होगा प्लस एंड में कुछ गारंटी दिया होगा कि मैं एसेट खरीद के पेमेंट कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं MLP लेसी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना, सो फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेसी। MLP लेसी डजंट इंक्लूड कॉन्टिंजेंट रेंट, रेंट विच इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और सर्विसेज, जो स्टार्टिंग में पता नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो मैंने पहला तो एसेट परचेस कर लिया है, देन सपोज ऑन द स्पॉट लीज का पेमेंट करते हो, ऑन द स्पॉट लाइक ए डाउन पेमेंट, तो फिर एंट्री कर देंगे लेसर टू बैंक। एंड ऑफ द ईयर कब से है? तो लाइक ए हायर परचेस इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट टू वेंडर करते हैं ना, सेम वे फाइनेंस चार्जेस टू बैंक। ओके, यहाँ तो इधर हम लोग पहले कर रहे हैं, तो फाइनेंस चार्जेस टू लेसर करना है। एक काम करते हैं, नहीं तो फाइनेंस चार्जेस टू लेसर कर देते हैं, फिर लेसर टू बैंक करते हैं। चलो ना, लाइक ए हायर परचेस डायरेक्टली बैंक किया तो भी चलता है। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन करेंगे एंड सो ऑन, ट्रांसफर एंट्री कर देंगे। IRR रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी द इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, FMI इसको IRR बोलते हैं, वो पेपर में दिया होता है। व्हेन IRR इज गिवन फॉलो द IRR, बट इफ फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज लोअर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेसी, IRR वुड बी रिकम्प्यूटेड। इसका मीनिंग मैं सम के साथ बताएगा आज। फिर हमने एक सम किया था, ओके, अब नेक्स्ट सम लिखते हैं। चलिए हमारा आई थिंक सो S19, आई थिंक सो ये लेक्चर 2 है। अभी लिखना स्टार्ट करो, प्लीज स्टार्ट राइटिंग। ए लिमिटेड
जो लोग ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप डायरेक्टली ये वीडियो नंबर टू नहीं देख सकते हैं, आपको वीडियो नंबर वन ही पहले देखना होता है। AS-19 का नाम क्या है वैसे? लीजिस, ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आप वीडियो नंबर वन जरूर से देखिए, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस डायरेक्टली। ए लिमिटेड टू असेट ऑन लीज, लिखना स्टार्ट, एग्रीड रेंटल एग्रीड रेंटल्स, लीज रेंटल वर्ड लिखना है, एक ही बात है वैसे। फेयर वैल्यू ऑफ असेट इज रुपीज 1,30,000, IRR 10%, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 5,000, assume finance lease, अरे ये तो हमने लास्ट लेक्चर में किया, वही समय क्या? वही है क्या लास्ट लेक्चर वाला ही समय? तो थोड़ा बदली कर देता हूँ, थोड़ा बदली कर देता, सॉरी, ये लास्ट लेक्चर वाला समय, जस्ट जस्ट वेरी सॉरी, यही है ना लास्ट लेक्चर वाला, ही है ना सब, देख लेते हैं। हाँ सॉरी, वन लैख 50,000 कर देते हैं फॉर 3 ईयर्स कर देते हैं, और फेयर वैल्यू कर देते हैं 3,50,000। आई एम वेरी सॉरी, ये सेम सब दे दिया मैंने क्योंकि प्रैक्टिस ही तो चल रही है। 3,50,000, IRR 15% कर देता हूँ, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 11,400 कर देता हूं। ओके, एज्यूम फाइनेंस लीज, फाइन वैल्यू ऑफ ए मशीन, फाइंड ईयरली फाइनेंस चार्जेस, ए लिमिटेड टू का सेट ऑन लीज, एग्रीड लीज रेंटल 1,50,000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज 3,50,000, I have a 15% guaranteed residual value 11,400. Assume finance lease, find value of a machine. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, अब चलते हैं हम लोग आंसर पर। बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ असेट? ऑफ कोर्स ये असेट है मशीन, बोलो इसकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ असेट, फेयर वैल्यू और व्हाट, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेसी विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस, ठीक है। नाउ फेयर वैल्यू ऑफ द असेट हमें दिया है कितना?
350। पीवी ऑफ एमएलपी कहां से मिलेगा? एस पर वर्किंग, पीवी ऑफ एमएलपी तो मुझे वर्किंग में मिलेगा, तो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी। एमएलपी लेसी क्या है? लेसी क्या सोचता है वो है कि लीज के लिए मिनिमम पेमेंट मुझे कितना करना पड़ेगा ओवर द लाइफ ऑफ द असेट। एमएलपी माने मिनिमम लीज पेमेंट। कौन सोचता है? लेसी पेमेंट कर रहा है तो लेसी सोचता है। ओके सो ये कैसे मिलेगा? ईयर एंड 1, 2, 3। ओके फिर हमारा पेमेंट कितना है? लीज रेंटल्स एटसेट्रा, लीज रेंटल एटसेट्रा मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 1,50,000। और एंड में 11,400 की हमने गारंटी दिया है। व्हाट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर? 15%। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स 15% एंड प्रेजेंट वैल्यू कितना है? कैलकुलेट करिए। ओके अब आई होप आपको शॉर्टकट आता है। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू तो जो थर्ड ईयर का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिखता है ना लास्ट ईयर का, 4.657 है। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं जीटी बटन प्रेस करता हूँ, जीटी बटन। मेरे में जीटी बटन नहीं है, क्या आप लोगों में जीटी बटन है कैलकुलेटर में? इसे क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो। कितना है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर जरा कैलकुलेट करो। 1/1.15 इक्वल टू 3 बार एंड जीटी बटन, तो पता है ना आपको शॉर्टकट डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको तो पूरा, आप सब लोग 75 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स आए तो आपको डिस्काउंटिंग आता है, ऐसे हम मानते हैं। ओके इधर यही बात मैं लिखूं तो 1,50,000 इंटू 2.283 प्लस यही बात इधर लिखता हूँ, फिफ्थ ईयर डिस्काउंट। सो यहाँ आ जाएगा मेरा 349,940, सो विच इज लेस, हेंस वैल्यू ऑफ मशीन कितना है दोनों में से? विच इज लेस, hence value of machine is this. Present value of minimum lease का payment 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है अब क्या करना है? दो बातें मुझे पूछी है, find value of a machine हो गया। Suppose हमारी objective exam होती है ना तो ऐसा question पूछता है कि question same दिया है आपको, बोला है value of machine कितना है। Subjective exam है तो भी question यही रहेगा लेकिन आपको कैलकुलेशन ऐसे सब बताना पड़ेगा। ईयरली फाइनेंस चार्जेस माने क्या? ईयरली फाइनेंस चार्जेस ये हायर परचेस जैसा टेबल है जो मैं एवरी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाला हूँ उसमें इंटरेस्ट कितना इनबिल्ट है, लाइक ए हायर परचेस, उसे बोलते हैं ईयरली फाइनेंस चार्जेस। वो पूछा है इधर, देखो ना पूछा है, फाइंड वैल्यू ऑफ मशीन, फाइंड ईयरली फाइनेंस चार्जेस, लिमिटेड टू कैसेट ऑन ए लीज, एग्रीड लीज रेंटल 1,50,000 फॉर 3 इयर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एसेट, आईआरआर 15%, फाइंड ईयरली फाइनेंस चार्जेस। तो हायर परचेस जैसा टेबल बनाइए, कैलक्यूलेशन ऑफ
फाइनेंस चार्जेस, कैलकुलेशन ऑफ ईयरली फाइनेंस चार्जेस, डेट, ओपनिंग प्राइस, क्या क्या होता है, हायर परचेस चार्जेस याद करो, रेंटल्स एटसेट्रा, उसको बोलते हैं एमएलपी, मतलब पेमेंट, इंस्टॉलमेंट समझ लो ना आप। फाइनेंस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट, क्या रेट है अपना इंटरेस्ट का इधर, 15%। ये इंस्टॉलमेंट, हायर परचेस में आप इंस्टॉलमेंट के साथ कंपेयर करो, इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल अमाउंट, फिर क्लोजिंग प्राइस, ये आपका हायर परचेस का ही तो टेबल हुआ है। एग्जैक्टली, आपका हायर परचेस वाला टेबल हुआ है। जो लोग भी टीवाई में पहुंचेंगे उनको भी ये टेबल बार बार वहां बनाना पड़ता है। मैंने बोला जो लोग भी टीवाई में पहुंचेंगे, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लोग भी टीवाई में पहुंचेंगे, डिबाट वगैरह नहीं होंगे। ओके, सो एट स्टार्ट, फिर एट एंड ईयर वन, एट एंड ईयर टू, एट एंड ईयर थ्री। स्टार्ट में क्या है, 349,940 वैल्यू ऑफ एसेट, आइदर फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, विच एवर इज लेस। ओके, रेंटल एटसेट्रा क्या है, डाउन पेमेंट नहीं है ना, फर्स्ट डे मैंने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, बट एंड ऑफ ईयर वन है, एंड ऑफ ईयर टू है, और एंड ऑफ ईयर थ्री क्या है, 150 प्लस 11,400 है ना, आप कंबाइन लिख सकते हैं डायरेक्ट। और राइट, हायर परचेस वाला नॉलेज यूज करिए। डाउन पेमेंट मतलब फर्स्ट डे पर जो मैं पेमेंट करता हूँ वो कुछ नहीं है, नो डाउन पेमेंट। तो ये है 349,940, याद करिए, हायर परचेस टाइप का टेक्निकल टेबल यूज करिए। सो दैट मीन्स फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आई कैन से एज अ बायर, मुझे 349,940 इंटरेस्ट हटा के प्रिंसिपल पेमेंट करना है, ठीक है। मैं एसेट यूज करता हूँ, मैं एसेट यूज करता हूँ, सो एट द एंड ऑफ द ईयर शॉपकीपर हमारे से 15% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर शॉपकीपर मुझे 15% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, विच कम्स टू 52,491। इन अदर वर्ड्स, जितना भी मैंने पेमेंट किया है 1,50,000, उसमें से 52,491 तो इंटरेस्ट अमाउंट है, 97,509 प्रिंसिपल अमाउंट है। माँ, मुझे 349,940 का पेमेंट करना था, उसमें से 97,509 प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट हो गया। सॉरी, 2,52,431। सो 15% ऑफ 252,431 कम्स 37,865। सो सेकेंड ईयर में शॉपकीपर मुझे 37,865 का इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है, लेकिन मेरा पेमेंट तो 1,50,000 हो रहा है, उसमें से 37,865 इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल है 112,135। सो 252 में से
252 431 में से 112 135 माइनस करता हूँ तो बचेगा 140 296। अब लास्ट ईयर में क्या करते हैं, हम ऐसा इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं बट कॉमन सेंस यूज़ करते हैं कि मुझे 140 296 का पेमेंट करना था लेकिन एक्चुअल पेमेंट तो 161 400 कर रहा हूँ, 150 + 11 400, तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ही तो है। दैट इज व्हाट वी डू इन द लास्ट ईयर। तो बैलेंसिंग फिगर 21105, उसे हम इंटरेस्ट ले लेते हैं। लास्ट ईयर में ऐसा करते हैं। सो हमको यही तो कैलकुलेट किया था, यही हमको कैलकुलेशन पूछा था। दिस इज व्हाट वी वर आस्क्ड टू कैलकुलेट आप वैल्यू ऑफ मशीन एंड ईयरली इंटरेस्ट चार्जेस। अब यदि आपको जर्नल एंट्री पूछा है तो नॉर्मल जर्नल एंट्री करते हैं, जैसे असेट अकाउंट डेबिट टू लेसर वेंडर 349 940, डाउन पेमेंट नहीं है, स्टार्टिंग में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है, एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट डेबिट टू लेसर, सो फाइनेंस चार्जेस डेबिट टू लेसर 52 491 करते हैं, फिर लेसर टू बैंक 1,50,000, फिर डेप्रिशिएशन जो भी होता है डेप्रिशिएशन टू असेट एंड ट्रांसफर एंट्री, एंट्री वही होती है जो नॉर्मल बिजनेस में करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर, ये हमारा क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। चले नेक्स्ट एग्जांपल लिखना स्टार्ट कर दो। ए लिमिटेड टुक असेट ऑन लीज फेयर वैल्यू ₹3 lakh fair value ₹3 lakh lease rentals ₹1 lakh into 5 years at end of every year guaranteed residual value from lessee viewpoint 10,000 IRR 10% find value of a machine and yearly finance charges. So A Limited took asset on lease, fair value ₹3 lakh, lease rental 1 lakh into 5 years at end of every year, guaranteed residual value lease ka 10,000 hai, IRR 10% है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए मशीन एंड ईयरली फाइनेंस चार्जेस। बताइए सो वैल्यू ऑफ ए मशीन की फॉर्मूला क्या है। फेयर वैल्यू
रुपीज 3 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज का पेमेंट जो लेसी करने वाले हैं, ये फिगर कहाँ से मिलेगा? वर्किंग पर। Whichever is less, तो जो भी दोनों में से लोअर फिगर है इधर हम वैल्यू ऑफ ए मशीन लिख देंगे या नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वर्किंग में क्या करेंगे? कैलकुलेट पीवी ऑफ एमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी। एमएलपी क्या होता है? अरे भाई, लीज के लिए जो मिनिमम पेमेंट करना होता है ना, मिनिमम लीज पेमेंट नाम ही तो है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सो ईयर एंडिंग 1, 2, 3, इसके लिए मैं मिनिमम कितना पेमेंट करने वाला हूँ? क्या है मेरा मिनिमम लीज का पेमेंट? 1 लाख फॉर 5 ईयर्स है। सो क्या करूँ भाई, 3 के आगे जाना पड़ेगा ना, 4, 5। पेमेंट कितना करने वाले हैं? मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं ना, जो इंस्टॉलमेंट वगैरह होता है, 1 लाख है। और लास्ट ईयर में मैंने गारंटी दिया है कि मैं 10,000 दे के असेट खरीदेगा, जीआरवी। तो जीआरवी बोलते हैं गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है 10%, 3 डेसिमल लेना, टेक 3 डेसिमल, ताकि हम लोग सब एक दूसरे का आंसर चेक कर पाए। टेक 3 डेसिमल, वन अपॉन 1.10 इक्वल टू 1 upon 1.10 equal to 5th decimal 6 to 1 दिख रहा है स्क्रीन पर। अब GT बटन दबाइए तो मुझे ये सब डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर्स बताइए। 3 decimal, ठीक है। सो 1 lakh इंटू 3.791 कितना होता है? 379,100। और 10,000 इंटू 6 to 1, 6 to 1 0, तो बता दो कितना हो गया? 385,310। ओके, सो 3 lakh फेयर वैल्यू ऑफ ए मशीन है, और 385,310 whichever is less, so मेरी value of a machine 3 lakh है। अब एक नया समस्या पैदा होगा, आई डोंट नो, आप कोई विजुलाइज कर सकते हैं? जब मैं अकाउंटिंग वगैरह चार्ज करेगा, मैं हायर परचेस जैसे टेबल बनाएगा, थ्री लैख लिख के, तो मेरा समस्या स्टार्ट होने वाला है। सपोज यहाँ मैं 3 लैख लिखता हूँ एंड यहाँ इंस्टॉलमेंट लिखता हूँ 1 लैख, क्या लग रहा है? जब मैं 10% इंटरेस्ट हटाएगा सब इंस्टॉलमेंट में से, मैं 10% इंटरेस्ट हटाएगा तो 3 लाख मिलेगा कि 385 मिलेगा?
वो तो 385 मिलेगा, जबकि मैं तो अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ए मशीन 3 लाख से करता हूँ। उसका कुछ मीनिंग समझ रहे हैं आप? कोई तुम्हारे में से है जो सोच सकता है समस्या पैदा क्या हुई है? क्या आप में से कोई सोच सकते हैं करण, रश्मि, सक्षम, जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं? जब मैं वैल्यू ऑफ एसेट 3 लाख लेता हूँ और 1 लाख 1 लाख 1 लाख सब इंस्टॉलमेंट की अकाउंटिंग करता हूँ और उसमें से 10% इंटरेस्ट मानता हूँ, तो हमारे को नया समस्या स्टार्ट होगी। कोई जानता है क्या समस्या है? आपका हायर परचेस वाला टेबल ऐसा बनाएंगे तो टैली नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब रेंटल्स जो है, ये सब जो रेंटल्स है उसमें 10% इंटरेस्ट हटाता हूँ तो 3 लाख नहीं आएगा। इनफैक्ट सब 1 लाख 1 लाख 1 लाख में इंटरेस्ट हटाता हूँ 10%, तो 385 आता है। मुझे तो 3 लाख पर जाना है। किसी को उसको मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये है हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है वो गलत है। मतलब हमको शॉपकीपर क्या बोलता है पता है? मैं आपसे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। वो झूठ बोल रहा है। क्या लग रहा है आपको, वो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? यदि ऐसा है तो इंटरेस्ट हटाते हैं तो 385 आ रहा है, कि ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए 12-13%, कि कम इंटरेस्ट होना चाहिए 6-7%। क्या लग रहा है आपको, चैट में लिखो। जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं यदि कुछ समझ में आ रहा है, माई क्वेश्चन इज डू यू फील इंटरेस्ट रेट इज मोर देन 10%, तो मोर वर्ड लिखो। डू यू थिंक द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लेस देन 10%, तो लेस वर्ड लिखो। जो लोग को भी कुछ छोटी मोटी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह वाओ, 24 लोगों ने रिप्लाई कर दिया, मोर सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी नाइस। मैं समझ रहा था मेरे से कोई सुन नहीं रहे वीडियो में, बट 24 पीपल आर लिस्निंग, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आप सही सोच रहे हैं। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है, 1 लाख 1 लाख इंस्टॉलमेंट में हटा देता हूँ तो 385 आ रहा है, जबकि मुझे तो अप टू 3 लाख पर जाना है। सो शॉपकीपर झूठ बोल रहा है कि वो इंटरेस्ट 10% चार्ज कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है। और ये बात इधर लिखी थी, मैंने बोला था ना मैं कुछ बात बाद में बताने वाला हूँ। ये बात देखो, ये नोट एकदम ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट डे में कल के वीडियो नंबर 1 में नोट लिखाया था, व्हेनेवर IRR इज गिवन फॉलो द गिवन IRR, बट इफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज लोअर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, हमारा एग्जाम्पल में, तो IRR वुड बी रिकम्प्यूटेड। मतलब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट नया निकालना पड़ेगा। दुकान वाला झूठ बोलता है। पढ़िए नोट में क्या लिखा है, व्हेनेवर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज लोअर देन IRR वुड बी रिकम्प्यूटेड। एग्जैक्टली ये बात हमारे प्रॉब्लम में हो रही है। हमारे प्रॉब्लम में शॉपकीपर बोलता है मैं आपसे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, वो झूठ बोलता है। फेयर वैल्यू ऑफ ए मशीन इज लोअर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, इंटरेस्ट वुड बी रिकम्प्यूटेड। तो हायर परचेस वाला टेबल जब बनाएंगे ईयरली फाइनेंस चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए, तब मुझे नया IRR, द एक्चुअल IRR लगाना पड़ेगा। मैं हायर परचेस टेबल 3 लाख की फेयर वैल्यू से ही बनाएगा, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं होना चाहिए। जब मैं ऐसा टेबल बनाता हूँ और ओपनिंग प्राइस 3 लाख लिखता हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं होगा, डेफिनेटली ज़्यादा है। एंड वॉट इज द रिवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिवाइज IRR मुझे कैलकुलेट करना है। और ये बात इधर लिखो, इंपॉर्टेंट नोट, स्टार्ट राइटिंग ये बात। सिंस फेयर वैल्यू ऑफ असेट इज लोअर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, IRR शुड बी रिकम्प्यूटेड। तो अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ट्रायल एंड एरर मेथड, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रायल एंड एरर मेथड।
कैलकुलेशन ऑफ आयरा, इसको बोलता है ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या बोलते हैं उसे? ट्रायल एंड एरर मेथड। मैं बता रहा हूँ ना आपको कैसे करने का है, आपको आ जाएगा कॉमन सेंस से, क्योंकि आप सब लोग एफएम में फुल मार्क लाए हुए बच्चे हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना ट्रायल एंड एरर मेथड से, आपको नहीं भी आता है तो सीख जाएंगे, डोंट वरी। स्टार्ट करें, ट्रायल एंड एरर मेथड सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ईयर एंड 5 ईयर्स है ना, हम जो भी कर रहे हैं वो ट्रायल एंड एरर मेथड है। रुकिए, आपको कुछ रुकना है तो पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट, वॉट एवर वर्ड यू यूज, वॉट एवर वर्ड यू यूज, लास्ट ईयर में 1,10,000 है, याद रखना, ठीक है? अब सुनिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट 10% करता हूँ, जो अभी अभी हमने किया, तो इधर 385 आता है, 385, 310। मुझे इधर कितना लाना चाहिए पता है? 3 लाख आना चाहिए। मुझे ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए कि वो इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट से हटाते हैं तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द असेट 3 लाख आना चाहिए। तो एक काम करो, आप 15% देख के ट्राई मारो एंड गिट मी द आंसर। आई होप आपको ये कैलकुलेशन करने आता है कि मैं वो भी इधर नीचे लिखते जाऊं, 15% पर कैसे होता है। कैलकुलेटर हाथ में लो, मैं 15% पर डिस्काउंटिंग करना बताना चाहता हूँ। कोई मुझे आंसर हो चैट में लिख के देखो तो सही, तुम लोग जो फुल मार्क्स लाए थे एफएम में कैसे लाए थे बता तो चले। 15% पर मुझे डिस्काउंटिंग करके दो, 3 डेसिमल लेना ताकि हम लोग आंसर कंपेयर कर पाए एक दूसरे से। 4 ले सकते हैं बट हम लोग सब 3 लेंगे ताकि आंसर चेक कर पाएंगे। आपको 1/1.15 इक्वल टू 5 बार करना, 1/1.15 इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5वीं बार पर 0.497 दिखता है मुझे। बाद में जीटी बटन दबाइए। सो 1 लाख इंटू जीटी बटन प्लस लास्ट ईयर का 10,000 इंटू 0.497 एक 1,10,000 डायरेक्टली नहीं लिखना है तो आप एक काम करो ना, ऐसा करो, ऐसा लिखते ताकि आप क्लियरली समझ में आए कि मैं क्या बोलता हूँ। 1,10,000 लिखो, ठीक है? सो दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, 1,10,000 लिखो फिफ्थ ईयर में ताकि आपको समझ में आए। ऑल राइट, जी टी बटन दबाया तो क्या आया? क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर सो 3,35,000 200 प्लस 4,970 340 170, ये आ गया 340 170। बोलो, आप चैट में लिखो द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी हायर देन 15% है तो हायर वर्ड लिखो एच, आपको लगता है लोअर देन 15% है तो एल वर्ड लिखो एच, या तो एल। द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 1,01,01,01 इंस्टॉलमेंट इनबिल्ट है वो मोर देन 15% है, हायर है तो एच वर्ड, लोअर है तो ओ। 25 आंसर आ गया, मेरे साथ सुन रहे, आई एम हैप्पी। अब क्या करें? एक काम करते हैं ना, 20% पर ट्राई करते हैं। ट्वेंटी परसेंट पर ट्राई करके आंसर दो।
20% का आंसर हो। ट्वेंटी परसेंट पर गेट मी द आंसर 20% प्रेजेंट वैल्यू एट 20% सी डेसिमल तक लेंगे। 1/1.20 इक्वल टू फिफ्थ टाइम में देखो क्या दिखता है। फिफ्थ डिस्काउंटिंग फैक्टर देखो क्या दिखता है। अब जीटी बटन दबाइए। क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर देखो क्या दिखता है। देखो ये लेक्चर का पर्पस आपको डिस्काउंटिंग सिखाना नहीं है, सब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है वो सब आई एस्यूम हमको आता है, नहीं आता है तो पहले वो खुद ही सीख के आ जाना। मेरा इधर पर्पस लीज अकाउंटिंग सिखाना है, सो दैट आई एम मेकिंग वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलो क्या लग रहा है हमारा लक्ष्य क्या है, हमको कहाँ तक अमाउंट लाना है डिस्काउंटिंग करने के बाद। फिगर लिखो, हमारा टारगेट अमाउंट क्या है। राइट दैट फिगर, जैसे 385 से 340 आया, 303 आया, व्हाट इज माय टारगेट फिगर, 3 लाख। सही जवाब, वेरी गुड। क्या लग रहा है अभी भी रेट ऑफ डिस्काउंटिंग मोर देन 20 होगा लेस होगा। मोर लगता है एम लिखो, लेस लगता है एल लिखो। मोर देन 20, लेस देन 20, मोर आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। तो एक काम करो, चलो अभी 22 पर करते हैं। ट्राई मारो 22 पर। प्रेजेंट वैल्यू एट 22% पर ट्राई मारिए। वी आर गेटिंग ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर कंप्यूटिंग आईआरआर। 20% पर ट्राई मारो, 22% पर ट्राई मारो। 1/1.22 इक्वल टू 5 times, 3 decimal। फिफ्थ टाइम में क्या आ रहा है, फिफ्थ टाइम में आ रहा है 370.370 फिफ्थ टाइम पर। जीटी बटन 1/1.22 इक्वल टू 5 times। हम आंसर चेक करने लिए सब लोग वही आंसर लिख रहे हैं ताकि वी कैन कंपेयर, नहीं तो पॉइंट में बहुत गड़बड़ हो जाती है। ऑलराइट, ये आ गया 290/100। मुझे तो 3 लाख पर जाना था, ये तो कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया है। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन लिखो चैट में, व्हाट इज अ कंक्लूजन, राइट कंक्लूजन। हमको पता है ना कहां तक जाना था, हमको 3 लाख पर जाना था, हमको ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए था कि जब ये सब इंस्टॉलमेंट को डिस्काउंटिंग करते हैं तो 3 लाख पर आना चाहिए। ठीक है, तभी ध्यान से सुनना हम क्या करें। मेरा टारगेट अमाउंट 3 लाख था, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो मेरा टारगेट अमाउंट 3 लाख था, बट ये जस्ट 2% रेट इंक्रीज हुआ ना, तब अमाउंट में कितना डिफरेंस आ गया चेक कर लो। 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो अमाउंट 303/120 से गिर कर 290/100 हो गया। तो ये डिफरेंस आ गया 13,020। मुझे इतना डिफरेंस नहीं चाहिए था, मुझे तो सिर्फ कितना डिफरेंस चाहिए था पता है,
मुझे तो सिर्फ कितना डिफरेंस चाहिए था, आई वॉन्टेड ओनली दिस डिफरेंस, मुझे 3120 का डिफरेंस चाहिए था। बाय 2% इंक्रीज इन द रेट द अमाउंट चेंजेस बाय 13020, मुझे तो ओनली 3120 चेंज करना है, तो कॉस्ट मल्टीप्लाई करिए। जब अमाउंट डिफरेंस 13020 हो जाता है तो रेट डिफरेंस कितना था, 2%, मुझे अमाउंट डिफरेंस ओनली 3120 चाहिए, तो व्हाट्स द रेट डिफरेंस। अब खुद कॉमन सेंस से चेक करो, जब 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वैल्यू 13020 से गिर जाता है, मुझे उतना वैल्यू नहीं गिराना है, मुझे 290 पर नहीं जाना है, मेरा टारगेट तो 3 लाख था, ओनली 3 लाख, 3000 से 3 लाख था, 3120, तो कॉस्ट मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आया जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 0.47 आया, दैट मीन्स कंक्लूजन आया। अब क्या आया अभी, आपको पता है ना 20% तो था ही था, प्लस 2% नहीं बढ़ाना है बट 0.47 बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली मेरा IRR हो गया 20.47%, वेरी गुड। 25 लोगों का आंसर सही आ रहा है, कोई लोग ने मुझे 47 से और आगे का भी डेसिमल लिया है जो मैंने इग्नोर किया है, बट सही है, हम लोग सब वही फॉलो करेंगे ताकि एक दूसरे से आंसर चेक करें, वेरी गुड। आप IRR जानते हैं, अच्छी बात है, दैट मीन्स यू गॉट नियरली फुल मार्क इन FM, यू डिजर्व प्रोवाइडेड यू नो ऑल दिस कैलकुलेशन। सो एटलीस्ट 25 ऑफ यू नो, द रिमेनिंग स्टूडेंट जो मेरे साथ में वीडियो नहीं देख रहे हैं, भगवान उससे बच के रहे, क्योंकि भगवान के पास वो लोग रिजल्ट के टाइम पर लाइन लगाएंगे, वो भगवान मुझे पास कर दे तो हाँ, वरना नहीं मैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएगा, एडवांस में 11 नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो वो भी डूब जाएंगे। सो वेल, ये हमारा ट्रायल एंड एरर था। सो अल्टीमेटली पूरा सम का कंक्लूजन क्या है, जो शॉपकीपर था जो हमें बोलता था कि हम 10% इंटरेस्ट लेते हैं, वो झूठ बोलता है, बाजार में फेयर वैल्यू ऑफ द असेट 3 लाख पर मिलते ही है, ओपन मार्केट में 3 लाख का तो असेट मिल रहा है, और मैं 5 ईयर्स तक 1 लाख पे करेगा और 10,000 एंड में दे के असेट खरीदने वाला हूँ, परचेस करने वाला हूँ, तो रियल इंटरेस्ट हमारे को 20.47 लगा रहा है शॉपकीपर। सो यदि मुझे ईयरली फाइनेंस चार्जेस कैलकुलेट करना है तो ये रेट से कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि मुझे ईयरली फाइनेंस चार्जेस कैलकुलेट करना है, देन हायर परचेस टाइप का टेबल बना दो एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, वेरी नाइस, कैलकुलेशन ऑफ ईयरली फाइनेंस चार्जेस ना, वो हायर परचेस टाइप का टेबल। कैलकुलेशन ऑफ ईयरली फाइनेंस चार्जेस, ओके। सो बताइए अपना हायर परचेस वाला क्या था टेबल, पहला डेट था, फिर ओपनिंग कैश प्राइस था, फिर जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं ना, मिनिमम लीज का पेमेंट, इंस्टॉलमेंट एक्सेट्रा, इसी का तो ब्रेक करना है, किसी के अंदर से इंटरेस्ट माइनस फाइनेंस चार्जेस कितना है और इसी का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, और ओपनिंग कैश प्राइस में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैश प्राइस मिलता है। चलो करके दो मुझे, ये वाला टेबल जो लोग TYBCOM में पहुंचेंगे उनको वापस आएगा। आईएल का टेबल है ना,
डेट एट स्टार्ट थ्री लैख, नो डाउन पेमेंट, नो फर्स्ट डे रिलीज चार्जेस, एट एंड ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव, ये सब एट एंड है। एट एंड ऑफ ईयर वन 1 लाख, ईयर टू 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख and 10। फाइनेंस चार्जेस एट 20.47%। नो डाउन पेमेंट ये पूरा 3 लाख। चलिए चलिए, सो 3 लाख के पर 20.47% कैलकुलेट करो, 61,410। आई होप आपको आता है, 3 लाख के ऊपर 20% लगाओ। मैं 1 लाख का पेमेंट करता हूँ, उसमें से 61,410 तो इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना है, 38,590। अब 3 लाख में से 38 पेमेंट हो गया, बचाओ कितना बचा है, 261,410। अब 261,410 पर आप लगाओ, पहले हमने क्या किया था, 3 लाख का 20.47% निकाला था, दैट वॉज 61,410। अब 261,410 पर 20.47% लगाइए, देखो कितना आता है, 53,511। वन लैख पर 53,511 लगाओ, ₹464,89,214,921। अब 214,921 का 20.47% 43,994। 1 लाख में से 43,994 गया, तो बचा कितना, 56,006। 214 में से 56,006 का कितना बचेगा, 185,915।
थर्टी टू 5:30। वन लैख में से 32,530 गया। वन एटी फाइव में से 67 गया। लास्ट ईयर वी डोंट कैलकुलेट रेट। लास्ट ईयर में क्या करते हैं, मुझे 91,445 पे करना था, मगर मैं 1,110 पे करने वाला हूँ। सो बचाओ कितना बचा, बैलेंसिंग फिगर 18,555। राइट, तो ये हमारा ईयरली फाइनेंस चार्जेस था। अब ये नील हो गया, दैट इज व्हाट वी वांटेड। दैट मीन्स यदि हम लोग यहाँ 10% गिवन IRR लगाते थे तो नील नहीं होता था। रियल IRR, रियल इंटरेस्ट रेट 20.47% है। सो दुकान वाला झूठ बोलता है, शॉपकीपर वो रियली हमारे से ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल करता है। तो हाँ, बुक कीपिंग तो सिंपल है, पता है ना बुक कीपिंग क्या होगी। फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर लेसर 3 लाख। फर्स्ट डे पर तो कोई लीज पेमेंट डाउन पेमेंट नहीं करते। एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट आई मीन फाइनेंस चार्जेस डेबिट टू लेसर 61,410। पेमेंट कर दो लेसर टू बैंक 1 लाख। डेप्रिशिएशन एंड ट्रांसफर सिंपल। ऑलराइट, सो ये सब हम लोग ने बुक्स ऑफ लेसर किया था, सॉरी बुक्स ऑफ टेनेंट किया था। अब हम बुक्स ऑफ ओनर लेसर करने जा रहे हैं। उसके लिए कुछ हमको इम्पोर्टेंट टर्म्स पहले सीखनी पड़ेगी। बिफोर वी स्टार्ट फॉर बुक कीपिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। शुरू करें, ऑलराइट, या सही है, एक स्टूडेंट ने बताया ये 185 नहीं बट 158 है। आई एग्री फुल्ली, मैंने 185 लिख दिया, 158 सही है। थैंक यू रितिक। दसवीं ने भी वही बताया, आकृति ने भी वही बताया कि 158 होना चाहिए। यस आई एग्री, मेरी मिस्टेक थी लिखने में, 185 158। चलिए, और ये भी 185 नहीं था, क्या था, सॉरी 158 ही था। मैं कैलकुलेशन सही कर रहा था, लिखने में गड़बड़ की थी। अब हम चलेंगे बुक्स ऑफ ओनर। चले शुरू करें, जो CA करते हैं उनको ये चैप्टर समझता नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एवरेज CA स्टूडेंट्स फाइंड दिस चैप्टर डिफिकल्ट, लेकिन ये बात अलग है, तुमको इजी लगता है, तुम समझते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। यदि आप ये चैप्टर समझ रहे हैं तो आप CA कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम फाइनेंस लीजी तो पढ़ रहे हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सीख ले जो हम बार बार इसमें यूज करने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है गारंटेड। रेसिडुअल वैल्यू
किसके एंगल से बोल रहा हूँ मैं अभी, लेसर के एंगल से बोल रहा हूँ। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या है? व्हाट इज गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू? आंसर बहुत सिंपल है, जो गारंटी मुझे लेसी ने दिया है, या तो सपोज कोई असेट है, टेनेंट बोलता है एंड में मैं 10,000 से खरीद लेगा, लेकिन कोई दूसरा थर्ड पार्टी है, दूसरा जो थर्ड पार्टी है वो बोलता है नहीं मैं आपसे ये असेट 15,000 में खरीद लेगा, परचेस कर लेगा, तो डेफिनेटली मैं उस ये असेट किसको देने में इंटरेस्ट रखेगा, थर्ड पार्टी को। टेनेंट बोलते हैं आई डोंट माइंड पेइंग यू 10,000 एट द एंड, थर्ड पार्टी बोलते हैं आई डोंट माइंड पेइंग यू 15,000, तो डेफिनेटली हम तो विच एवर इज हायर सिलेक्ट करेंगे या विच एवर इज लोअर सिलेक्ट करेंगे, जल्दी से बताइए, हम तो विच एवर इज हायर सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो लेसर व्यू पॉइंट, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या था, जो गारंटी लेसी ने दिया या तो थर्ड पार्टी ने दिया है, विच एवर इज हायर। ठीक है, अब कॉमन सेंस चलाना, एकदम कॉमन सेंस। मेरे को, मैं ओनर हूं अभी, लीज के लिए मिनिमम पेमेंट कितना आएगा, कितना आएगा सोच के आंसर दो। जो लीज रेंटल्स है वो तो आता ही है, प्लस क्या करूं, कोई माइक में लिखेंगे, कोई माइक में आई मीन कोई चैट में या तो लिखना चाहते हैं, क्या लिखूं, प्लस क्या, मैं लेसर मिनिमम लीज का पेमेंट क्या कंसीडर करूं, भाड़ा तो एवरी मंथ आएगा, एवरी ईयर आएगा, वो प्लस क्या, प्लस क्या, प्लस क्या, प्लस 10 लेने का ऊपर से कि 15 लेने का, प्लस क्या, इंटरेस्ट नहीं, लीज रेंटल के अंदर ही इंटरेस्ट होता है, प्लस क्या, अरे वेरी सिंपल, प्लस जीआरबी आएगा ना, ये तो मिलता ही है ना। So, मुझे, हाँ जीआरबी वर्ड सही है, जीआरबी लेसर वाली सही है, तो अल्टीमेटली मेरे एंगल से, ओनर एंगल से मनी 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 कितना आएगा, अरे जो रेंटल है वो प्लस जो जीआरबी है वो। ओके, नेक्स्ट वर्ड, एक वर्ड है जो बार बार हम लोग कभी कभी यूज करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू होता क्या है, तो आंसर, अरे भाई स्क्रैप वैल्यू एट एंड, मेरे को ओनर को लास्ट में जो वैल्यू मिलने वाला है उसको रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, एक है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ये क्या है, लेट अस सी, वी आर जस्ट लर्निंग सम वर्ड बिकॉज इसका कुछ यूज होने वाला है। सुनिए, ये क्या है अनगारंटेड वर्ड, तो ध्यान से सुनना, मेरे को गारंटी, टेनेंट बोलता है मैं 10,000 में या से टेन में ले सकता हूं, बट कोई थर्ड पार्टी है बोलता है नहीं मैं तो 15,000 की गारंटी देता हूँ, असेट ले सकता हूँ, श्योरली मैं तो 15 में इंटरेस्ट रखेगा, फिर भी मुझे लगता है वो मज़ा नहीं आया, तो मैं एक स्क्रैप डीलर को बुलाया, हिंदी फिल्म की लैंग्वेज में उसके कबाड़ी का डीलर बोलते हैं। एक कोई फिल्म थी ना जिसमें जॉनी लीवर आई थिंक सो कबाड़ी की दुकान, स्क्रैप डील की दुकान करता है, एनीवे तो मैंने कोई स्क्रैप वाले को, रास्ते में जाता है ना, ले लो पंगा ले लो, मुंबई में ऐसा बहुत होता है, आई डोंट नो आपके गांव में है कि नहीं, आई नो आप गांव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं, एनीवे तो उसको बुलाया और बोला ये देखो ना असेट की वैल्यू लगाओ ना, 10 साल के बाद 5 साल के बाद वैल्यू कितनी रहेगी, वो बोलता है कि ये असेट की वैल्यू 25,000 है, वो आदमी अनपढ़ है बट अपने धंधे में होशियार है, बोलता है इसकी वैल्यू एंड में 25,000 तो रहती है। मैं बोला अच्छा तू गारंटी देता है क्या, बोलता है मेरे को पढ़ने लिखने ही नहीं आता है, मैं गारंटी क्या दूं, बट वो गारंटी नहीं दे रहा है, बट बोलता है मेरा तजुर्बा मेरा एक्सपीरियंस कभी रॉन्ग ही नहीं हो जा सकता है। तो ये जो 25,000 मेरे को लगता है
ये स्क्रैप वैल्यू रहने वाला है। मेरे को लगता है वो कबाड़ी वाला बोलता है कि इसकी रेसिडियल वैल्यू 25 तक आ सकती है, स्क्रैप की वैल्यू, मगर मुझे गारंटी तो कोई मैक्सिमम 15 की ही मिल रही है। तो बताओ 10,000 क्या है, जल्दी से बोलो 10 क्या है, 10 क्या है, चैट में लिखो 10 क्या होगा। ओके स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, 25 क्या है, लेट्स राइट फर्स्ट, आप अमाउंट लिखो 25 इक्वल टू समथिंग, 25 क्या है चैट में लिखो, 25 क्या है चैट में लिखो, 25 वीडियो देखने वाले 25 क्या है, एक भी आंसर नहीं आया, 25 क्या है, मैंने खाली 25 पूछा, रेशियल वैल्यू सही जवाब, 15 क्या है, 15 क्या है, 15 क्या है, 15 15 GRV है, बिल्कुल सही। अब बताओ 15 की गारंटी अवेलेबल है मेरे पास, 10 क्या है, 10 इक्वल टू समथिंग लिखो, 10 इक्वल टू समथिंग, 10 इक्वल टू समथिंग, 10 इक्वल टू समथिंग लिखो, जल्दी से बताओ। अनगारंटेड सही जवाब, 10 इक्वल टू अनगारंटेड सही जवाब, गारंटी अवेलेबल नहीं है, गारंटी अवेलेबल नहीं है 10 के लिए, फुल्ली सही है, आप लोग वेरी ब्रिलियंट। चलिए तो ये बात लिखते हैं, तो अनगारंटेड क्या है, रेसिडुअल वैल्यू माइनस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू लेसर व्यू पॉइंट। ओके अब मेरी बात सुनना, नेक्स्ट वर्ड, ऐसे फिगर लिखता हूं इधर, मेरी ये गारंटी 25 की थी, ये 15 की थी, अनगारंटेड 10 का था। अब मेरी बात सुनना, जो वर्ड होता है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डजन गिव प्रॉपर मीनिंग, तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस से ब्रैकेट में एक वर्ड ऐड किया है, रिकवरेबल, बट ये रिकवरेबल वर्ड पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसान समझ जाएगा। मैं ओनर हूं, मेरा ग्रॉस रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, रिकवरेबल, गिव मी द फिगर, गिव मी द फिगर, मैं आपको हेल्प करता हूं। मैं एज्यूम करता हूं मेरा लीज रेंटल 1 लाख, 1 लाख 5 ईयर्स का होगा, यही फिगर है, फिगर आपके सामने है, मेरा ग्रॉस, मेरा जो रेंटल है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 5 ईयर्स के लिए मैं कोई टेनेंट को दे रहा हूं, टेनेंट बोलता है एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर मैं 10,000 की गारंटी देता हूँ, असेट मुझे दे देना, आई आई डोंट माइंड पेइंग यू 10,000 एक्स्ट्रा। थर्ड पार्टी बोलता है नहीं, मैं तो ये असेट के लिए फिफ्थ ईयर के एंड में 15,000 15,000 दे के ले सकता हूँ, जबकि स्क्रैप वाला बोलता है नहीं, भले मैं गारंटी नहीं देता हूँ बट मेरे हिसाब से उसका स्क्रैप का वैल्यू 25 तो होता ही है। अब बताओ मेरे लिए ग्रॉस रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट कितना माना जाएगा, रिकवरेबल मेरा वर्डिंग है, ग्रॉस रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट कितना मानू, ग्रॉस ग्रॉस, सक्षम ने 15,000 वर्ड लिखा, 15 कैसे आया, मेरा पूरा लीज पीरियड में एज ए ओनर ग्रॉस रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, आई रिपीट माई क्वेश्चन, पूरा लीज पीरियड में मैंने जो मशीन में पैसे लगाए थे, मैंने जो मशीन में पैसे लगाए हैं, टेनेंट को रेंटल पर देता हूं पूरा 5 ईयर्स के लिए, तो 5 ईयर्स में मेरा ग्रॉस रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट बिजनेस एंगल से कितना मानू, आई यूज द वर्ड, सब लोग ने 5 लाख लिखा है, गलत जवाब, मैं ग्रॉस रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट बोलता हूं, फिगर आपके सामने है, ओवर द लीज पीरियड स्टार्ट टू एंड, मैं खुद दुकान वाला हूं, मशीन मैंने एक बाजार से खरीद के टेनेंट को दिया होगा, वहां से लेके टेनेंट ने मशीन का कब्जा कर लिया या और कोई किसको भी दे दिया, मेरा टोटल रिकवरी कितने होने वाली है, 5 लाख, गलत जवाब, 5 ईयर्स का 5 लाख तो टेनेंट देंगे, 10,000 भी गलत जवाब, क्या लिख रहे हैं आप 10,000, मैं टोटल ग्रॉस ग्रॉस सक्षम टोटल बोल रहा हूं, मेरी टोटल रिकवरी असेट से कितनी हुई है वो पूछ रहा हूं, टोटल टोटल टोटल, हे भगवान, आंसर 5,25,000, अबे 5 लाख तो टेनेंट से आने वाला है, एंड में मशीन को या तो मैं टेनेंट को बेच सकता हूं, थर्ड
थर्ड पार्टी को बेच सकता हूं या स्क्रैप डीलर को बेच सकता हूं, तो 10 or 15 विच इज हायर, उसको जीआरबी लेसर बोलते हैं। लेकिन 10,000 की तो अनगारंटेड भी तो है ना, स्क्रैप वाला तो 25 बोल रहा है वैल्यू आएगी, तो मेरी ग्रॉस रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट 525 होने वाली है। सो ये बात 525 कितने लोग को समझा वो वाई वर्ड लिखो कि वाई 525, इसको भी 525 समझा वो बताओ वाई वर्ड लिख के। चलो तुम मानते हैं 22 लोगों को समझा है, ठीक है ना। अरे अपन तो बनिया लोग है, बिजनेसमैन है, हमको टेनेंट से कोई लगाव नहीं है, मुझे तो जो ज्यादा पैसा देने वाला उसी को देने वाला हूं, तो ये 525 ही मेरे लिए तो ग्रॉस रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट है, उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट रिकवरेबल वर्ड लिखने से इजी होता है समझने का, रिकवरेबल मेरा इन्वेंशन है, ठीक है। तो 525 आया कैसे, तो देखो या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं एमएलपी लेसी, याद है एमएलपी लेसी क्या है, 5 lakh + 15 प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ये 10 है, ऐसा भी लिख सकता हूं या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। 5 lakh क्या था याद है, 5 lakh, 5 lakh क्या है, दैट इज लीज रेंटल। 15 क्या है, जीआरबी लेसी, नहीं जीआरबी लेसर वर्ड ना, प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, सब एक ही बात है, ये ऊपर वही लिखा है 5 lakh + 15 + 10। या तो एमएलपी लेसी कितना था, एमएलपी लेसी वर्ड क्यों आया, लेसर है ना, मैं तो सॉरी, या तो एमएलपी ले, देखो ये फिगर मैं नीचे लिखता हूँ, मैं अलग अलग स्टाइल है लिखने की, बाकी मीनिंग 525 है। ऊपर लिखना है, ये लिखना है तो 515 + 10, बात भी वही है, 15 कैसे लाया, फाइव लैख प्लस 15 प्लस 10 तो है ही है, आप अलग अलग स्टाइल से लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली ग्रॉस रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन लिख डालो, फिगर मत लिखना बाकी लिख डालो, फिगर मत लिखना बाकी लिख डालो, डोंट राइट द फिगर बट राइट द फॉर्मूला। अब नेक्स्ट वन, अब ये मैं एज ए ओनर 525 कमा रहा हूं ना, बाद में उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या बोला, तो मुझे जो आंसर मिलेगा ना वो नेट इन्वेस्टमेंट है, फिगर मत लिखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो आंसर मिलेगा उसे नेट इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। सपोज मैं 525 को डिस्काउंटिंग करता हूँ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से और आंसर आता है 475, तो आप बता सकते हैं 525 एंड 475 का डिफरेंस जो 50 है वो क्या है, सोच के आंसर दो, सोच के आंसर दो, 525 एंड 475 का जो डिफरेंस है वो सोच के आंसर दो। मैं ओनर हूं, कोई मेरे से असेट आउटराइट ओनरशिप में खरीदना चाहते हैं तो कितने में बेच दूं, 475 में बेचेगा। कोई बोलता है नहीं मुझे तो इंस्टॉलमेंट में पैसा देने वाला हूं, तो मैं इंस्टॉलमेंट वगैरह रिकवरी 525 का कर रहा हूं, तो डिफरेंस 50 क्या था, डिफरेंस 50 क्या है, डिफरेंस 50 क्या है, मेरे से कोई आउटराइट ओनरशिप में असेट बेचेगा तो 475 में बेच सकता हूं। लेकिन कोई बोलता है नहीं मैं तो इंस्टॉलमेंट में देगा, थोड़ा पैसा एंड में देगा, तो मैं बोला ठीक है मेरे को 525 चाहिए, तो डिफरेंस 50 प्रॉफिट वर्ड के बदले में और कोई वर्ड नहीं बोल सकते, आई डोंट से प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट कौन सा किया, मैं तो ऐसे बोलता हूँ अभी भी 475 में बेचता हूँ, बाद में भी 475 में बेचता हूँ। हाँ अभी ऋतिक ने सही बताया, ये इंटरेस्ट वर्ड है, उसको अभी आजकल हम लोग फाइनेंस इनकम भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फाइनेंस इनकम भी बोल सकते हैं, विच मीन्स इंटरेस्ट, यस। अच्छा ये इंटरेस्ट इनकम कमा लिया कि कमाना बाकी है, ऑन द फर्स्ट डे ये इंटरेस्ट कमा लिया कि कमाना बाकी है, अरे बाकी है ना, तो इसको बोलते हैं अनअर्न्ड,
अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। चलो यहां तक का मुझे सीखना है। चले यहां तक लिखा, यहां तक का मेन है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हमने अभी तक टेनेंट की अकाउंटिंग सीखी थी ना, लेसी की। अब ओनर की बुक्स में एंट्री करेगा ना, मैं तो एंट्री करेगा एजी फर्स्ट बेच दिया। क्या एंट्री करेगा? एजी फर्स्ट बेच दिया। किसको बेच दिया? लेसी को। हम हायर परचेस में लिखते थे ना बायर टू असेट, यहां लिखेंगे लेसी टू असेट सपोज। तो क्या अमाउंट से लिखेगा पता है? ये नेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 475 पीबी ऑफ क्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे तो इतना ही मिल रहा है ना इंटरेस्ट काट के। सो बायर टू असेट लेसी टू असेट 475। बट बिफोर दैट ये वर्ड जरा सीख लो एक बार और एक बार। हाँ जरा वापस से देखते हैं, कुछ टर्म्स यूज करना है। बताइए सबसे पहला, व्हाट इज गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू फॉर, मैं 1 2 3 4 5 6 के ऑर्डर में वापस से जाता हूँ। व्हाट इज गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ओके, व्हाट इज गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू? तो सुनना, मैं ओनर हूं, ओनर से एंगल से सोचना। 5 इयर्स तक मुझे 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिलने वाला है, उसकी चिंता नहीं है। फिर 5 इयर्स पूरा जाएगा तब टेनेंट बोलता है मैं आपको 10,000 देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी बोलता है नहीं मैं तो आपको 15 देने के लिए तैयार हूं, तो श्योरली मेरा इंटरेस्ट तो 15 में ही रहेगा। उसको बोलते हैं जी आर बी लेसर। व्हाट इज जी आर बी लेसर? जी आर बी लेसी और थर्ड पार्टी विच इज हायर। ओके, अब मुझे मिनिमम पक्का कितना कंफर्म्ड मिल रहा है, कंफर्म्ड, उसे एम आर पी लेसर बोलते हैं। मुझे 1 लाख 1 लाख 5 लाख तो मिल ही रहा है, प्लस 15,000 की तो गारंटी है, तो जो कंफर्म्ड मिनिमम मिलने वाला है उसको बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट। लेसर के एंगल से ये तो 515, उतना तो कंफर्म्ड, ये तो कंफर्म्ड है एमएलपी लेसर। ठीक है, व्हाट इज रेसिडुअल वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड, एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज अनगारंटेड? ये एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू किसने दिया? स्क्रैप डीलर ने, उसका बिजनेस है, अनुभव है उसे, एक्सपीरियंस है, सालों से बिजनेस करता है। वो तो मुझे आके बोलता है 25,000 है। मैंने बोला लिख के दो, गारंटी दो। अरे बोलता मुझे थोड़ी लिखने आता है, लिखने आता होता तो तुम्हारे जैसा डेबिट ऑन द लेफ्ट एंड क्रेडिट ऑन द राइट नहीं करता था, बट मेरे को धंधा करने आता है जो आपको नहीं आता है। मैं बोला बात सही है, मुझे नहीं आता है, वरना मैं डेबिट ऑन द लेफ्ट क्रेडिट ऑन द राइट क्या करता था। बट वो गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, बोलता है 25 की वैल्यू है, मेरे पास गारंटेड तो 15 है, तो 10 जो बचा वो क्या है? अनगारंटेड है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो अल्टीमेटली मेरा टोटल रिकवरी कितना होने की उम्मीद है? श्योरली 5 लाख तो रेंट आ रहा है, 15 की गारंटी है, 10 की अनगारंटी है, तो समझदारी तो 525 की है। हाँ, आप चाहे तो ऐसा 3 पीसेस में लिखो, चाहे तो लीज रेंटल प्लस रेसिडुअल वैल्यू लिखो, चाहे तो
एमएलपी लेस, जो गारंटी कितनी है वो लिखो, प्लस अनगारंटी कितने लिखो, जो जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनिया बिजनेस एंगल से सोचना। लेकिन ये जो 525 की रिकवरी है वो तो 5 ईयर्स के अंदर होने वाली है, बट यदि मैं डिस्काउंटिंग करके उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं तो उसे नेट इन्वेस्टमेंट वर्ड बोलते हैं। और डिफरेंस इज नथिंग, सपोज कोई आके बोलता है मुझे मशीन खरीदना है, मैं बोला लेके जा रोकड़ा पैसा दे, कैश मनी दे, 475 में लेके जा, बोलता है नहीं, मैं तो इंस्टॉलमेंट में लेगा, तो मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 525 वसूल करेगा। डिफरेंस क्या है, मेरी इंटरेस्ट इनकम है, अभी तक तो कमाया नहीं है, तो आई कॉल इट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। कितने लोग को ये सब कॉन्सेप्ट, अभी ये मैथमेटिक, ये टर्म्स समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट टर्म्स, वाई वर्ड लिखो, वाई माने समझ में आया, वाई वाले समझ में आया वर्ड लिखो। चलो 21 लोग हैं मेरे साथ, पहले ज्यादा थे, 26 थे, अभी 21 है, कोई वादा नहीं, चलिए जैसे आपकी मर्जी, पढ़े उसका भी भला, नहीं पढ़े उसका भी भला। चलो स्टार्ट करते आगे, क्या जर्नल, किसकी बुक, ऑफ लेसर, लेसर कौन है, ओनर, फाइनेंस लीजी की तो बात चल रही है, फर्स्ट फॉर गिविंग असेट ऑन लीज, इट मीन्स एज गुड एज बेच दिया मैंने, सीधा मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बायर टू असेट, मैंने लेसी को बेच दिया, और वो ऐसे नहीं लिखना है तो मैं लीज रिसीवेबल वर्ड भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। टू असेट, पता है हायर परचेस में हम लोग यहाँ बायर टू सेल वर्ड लिखते थे, सोच क्या आंसर दो, अच्छा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ऑब्वियसली नेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पहले ही बोला ना वही ट्रू वैल्यू है, कौन सी अमाउंट होगी है, नेट इन्वेस्टमेंट, इधर असेट वर्ड लिखो कि सेल वर्ड लिखो, सोच क्या आंसर दो, देखे तुम कितना दिमाग वाले हो। मैं हम लोग याद करो हायर परचेस में बायर टू सेल लिखते थे, तो यहां मैं बायर मतलब लेसी टू असेट वर्ड लिखू कि सेल वर्ड लिखू, सोच के बोलो जल्दी से माइक में, जल्दी से बोलो, रश्मि आस्था नीतीश सब लोग बोलते हैं असेट लिखो, तो आंसर सुनो, आंसर डिपेंड्स कौन हूं मैं, यदि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, सेलर हूं, दुकान वाला हूं, मेरा ये असेट बेचने का बिजनेस है, तो ये मैं सेल वर्ड लिखेगा, बिकॉज दिस इज द वे इन विच आई सेल माई असेट, मैंने आइडिया निकाला मेरा सेल बढ़ाने के लिए। लेकिन सपोज मैं मनी लेंडर हूँ, NBFC कंपनी हूँ, मेरा धंधा नहीं है असेट बेचने का, लेकिन कोई मेरे से लोन लेने के लिए आता है, तब मैं स्पेशली उसके लिए असेट खरीदता हूँ, असेट टू बैंक, फिर मैं ये लीज पर देता हूँ, तो मैं असेट वर्ड लिखेगा, तो सेल नहीं लिखेगा। सो सेल वर्ड कौन लिख, लिखो ये बात, मैन्युफैक्चरर, डीलर, जिसका धंधा ही है असेट बेचने का, वो सेल वर्ड लिखेंगे, क्योंकि उसके लिए ये आइडिया है सेल बढ़ाने की, ये बिजनेस मॉडल। एंड जो फाइनेंसर है, अदर पर्सन्स लाइक फिनेंसर, जिसका बिजनेस नहीं है असेट बेचने का, उसका धंधा मनी देने का है, तो वो असेट वर्ड लिखेंगे, क्योंकि पहले वो असेट खरीदेंगे, मनी लेंडर क्या, तो मनी लेंडर क्या करता है, बाजार से पहले असेट खरीदता है, ओके, फिर लीज पर देता है, तो असेट खरीदने पर असेट टू बैंक करता है, फिर ये वाली एंट्री करता है, ठीक है। सो अभी दूसरी एंट्री क्या आएगी, एट एंड, याद करिए हायर परचेस याद करो, मैंने असेट बेच दिया, बाय टू असेट, लेसी टू असेट, एट एंड क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट लगाते हैं ना, याद करिए,
बाय टू इंटरेस्ट, ये तो क्या होगा, एट एंड ए पे बी पैसा आएगा, फिर हम डेप्रिसिएशन तो करते नहीं है तो सीधी ट्रांसफर एंट्री कर देते हैं, याद करिए। सो ये सब हायर परचेस की तो एंट्री है, नॉर्मल बिजनेस में भी तो यही एंट्री होती है। सो असेट दे दो, लेसी टू असेट, असेट वर्ड लिखो या सेल, डिपेंड, मैं मनी लेंडर हूं तो असेट वर्ड लिखता हूं क्योंकि पहली एंट्री मेरी असेट टू बैंक थी, मेरा असेट बेचने का ही बिजनेस है तो सेल वर्ड होगा। बट बाद में हम इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं, बायर टू इंटरेस्ट इनकम, पैसा आता है, बैंक टू बायर, ट्रांसफर एंट्री। वीडियो देखने वाले वीडियो पोस्ट करके सब लिख लो, आप वीडियो रिवाइंड करो, दो बार देखो,